देश में अब 15 साल से छोटे बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया है कि 16 मार्च से 12, 13 और 14 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या 7.5 करोड़ के आसपास है। 16 मार्च से कौन लगवा सकेगा वैक्सीन? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12, 13 और 14 साल की उम्र के बच्चे 16 मार्च से कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। जिन बच्चों का जन्म 2008, 2009 और 2010 में हुआ है वो सभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इन बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? केंद्र सरकार के मुताबिक 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। इस वैक्सीन को पिछले महीने ही 12 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। कितनी सेफ है ये वैक्सीन? पिछले साल सितंबर में बायोलॉजिकल ई को अपनी वैक्सीन का ट्रायल 5 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों पर करने की अनुमति मिली थी। इस आयु वर्ग में हुए फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार साबित हुई है। कैसे लगेगी ये वैक्सीन? भारत में अभी जिस तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है, ये वैक्सीन भी वैसे ही लगाई जाएगी। ये भी इंटरमस्कुलर वैक्सीन है जिसे इंजेक्शन के जरिए शरीर में डाला जाएगा। इस वैक्सीन की 2 डोज में 28 दिन का अंतर रहेगा। 12 साल से ऊपर अभी कौन कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया था। इसे अभी 12 से ऊपर के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन अभी 15 से 18 साल के किशोरों को लगाई जा रही है। जायकोव डी, जाइडस कैडिला की जायकोव डी को पिछले साल अगस्त में मंजूरी मिली थी। ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर वालों के लिए है। ये वैक्सीन अभी वयस्कों को ही दी जा रही है। 18 से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। कोर्बीवैक्स, बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बीवैक्स को सरकार ने दिसंबर 2021 में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। फरवरी में इसे 12 से 18 साल के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल गई। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में यही वैक्सीन दी जाएगी। कोवोवैक्स, इस वैक्सीन को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ मिलकर बनाया है। कोवोवैक्स को दिसंबर में मंजूरी मिल गई थी। इसे इसी महीने 12 से 17 साल के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।